हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जिया और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड होता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। सो फर्स्टली, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। किसका ब्रांच है ये? मेडिकल साइंस का ब्रांच है, ठीक है। दैट फोकस ऑन, जो कि फोकस करता है, मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके डिजीजेस के बारे, डिजीजेस के डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्लिनिकल टेस्ट ऑफ अ डिजीज, डिजीज़ का क्लिनिकल टेस्ट कौन कौन से लगाने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और यूजिंग लेबोरेटरी टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें किससे करेंगे हम? लैब के अंदर जो टेक्निक्स यूज होती है उसकी हेल्प से हम लोग ये टेस्ट को, इन डिजीजेस को डायग्नोज करेंगे। सो इट कवर्स डिफरेंट डिजीजेस, इसके अंदर डिफरेंट डिजीजेज आ जाती हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, कैंसर आ गया, अनीमिया आ गया, एंड सो ऑन, एंड देन देयर ट्रीटमेंट, इसके अंदर ट्रीटमेंट्स भी आते हैं इसके, एंड हाउ टू यूज इक्विपमेंट इन द लेबोरेटरी ऑफ द परफॉर्म। और जो लैब के अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि एनालाइजर हो गया, पिपेट्स हो गई, सेल काउंटर्स हो गए, इन सबको कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ें भी इस सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। उसके बाद देखिए द रोल ऑफ द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। अब जो लैब के अंदर काम करते हैं लोग, उनको क्या बोला जाता है? लेबोरेटरी टेक्नीशियन कहा जाता है। उनका रोल क्या होता है मेडिकल लैब के अंदर? सो लैब टेक्नीशियन हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर पर्टिकुलर लैब सेटिंग। सो क्या है, जो लैब टेक्नीशियन होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है, और साथ में ये भी उस चीज़ के ऊपर भी वेरी करता है कि जो लैब टेक्नीशियन है वो किस तरीके की लैब में वर्क कर रहा है। अगर हिस्टोपैथ की लैब है तो उसके अंदर उसके अलग क्राइटेरिया होंगे, उसके अलग रोल्स होंगे। अगर बायोकेमिस्ट्री के, तो वहाँ पे अलग तरीके से काम करना होगा, माइक्रोबायोलॉजी में अलग तरीके से। ऐसे ही हर तरीके की लैब के अंदर हर अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताने वाली हूँ, वो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हर लैब में यूज़ होती है। सो दीज डे टू डे टास्क में इंक्लूड, इसमें डेली टास्क के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। सो फर्स्टली, कलेक्टिंग सैम्पल्स ऑफ ब्लड एंड अदर सब्सटेंसेस। सबसे पहला काम क्या है टेक्नीशियन का? जो सैंपल आया है उसको कलेक्ट करना है। वो सैंपल ब्लड हो सकता है, वो सैंपल कल्चर हो सकता है, यूरिन हो सकता है, स्पूटम हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो अदर सब्सटेंसेस, परफॉर्मिंग लैब टेस्ट ऑन सैम्पल्स एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स। लैब के अंदर सैंपल्स आए हैं, उनके ऊपर टेस्ट को लगाना और उनकी रिजल्ट को निकालना, ये भी लैब टेक्नीशियन का काम होता है। एंड देन इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सैंपल्स, सैंपल्स की क्वालिटी कंट्रोल को भी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मेरा क्वालिटी कंट्रोल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर वो क्वालिटी कंट्रोल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। सो उसके बाद अडेरिंग टू द लैब स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज। अब हर एक लैब का स्टैंडर्ड होता है, हर एक लैब की अपनी खुद की पॉलिसीज होती हैं, किस तरीके से वर्क करना है क्या नहीं, वो सब चीज़ें हर एक लैब की अपने अपने तरीके से होती है। तो जो टेक्नीशियन जिस लैब में वर्क कर रहा है उस चीज़ से उसको स्टिक रहना पड़ेगा, उसी चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। सो उसके बाद प्रिपेयरिंग सैम्पल्स एंड प्रोसेसिंग दैम एज नीडेड। अब सैम्पल लैब में आ गया तो उसको प्रिपेयर भी करना है ताकि हम उसको सैम्पल को रन भी कर सके, उसकी टेस्टिंग भी कर सके, वो सारा काम भी लैब टेक्नीशियन का है। जैसे कि अगर माने जो हिस्टोपैथोलॉजी की लैब होती है, अभी मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है, तो वो हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में होता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में जब टिश्यू आता है तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी ग्रॉसिंग करनी है, फिक्सेशन, क्लियरिंग एंड सो ऑन, वो सब काम भी एक लैब टेक्नीशियन का होता है। एंड देन उसके बाद ऑपरेटिंग लैब इक्विपमेंट्स, लैब के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड देन सच एज माइक्रोस्कोप्स, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, सेल काउंटर हो गया, और भी जैसे एनालाइजर्स हो गए बायोकेमिस्ट्री के, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। एंड देन लॉगिंग टेस्ट डाटा इनटू पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना भी आना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैब टेक्नीशियन की। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो डेली टास्क में लैब टेक्नीशियन को करना होता है। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बता रही हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत प्राउड होगा अगर आप एक लैब टेक्नीशियन की स्टडी कर रहे हैं। सो दिस जॉब कैन रिवॉर्डिंग एंड मीनिंगफुल बिकॉज यू गेट अ हेल्प फिजिशियंस सर्जन्स डिटरमाइन अ पेशेंट्स डायग्नोसिस। ये जो जॉब है ये रिवॉर्डिंग जॉब है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल जॉब है। क्यों? क्योंकि आप एक डॉक्टर को, फिजिशियन को, सर्जन को हेल्प कर रहे हो कि वो डिजीज़ को डायग्नोज कर सके कि एक्चुअल में डिजीज़ क्या है। विदाउट लैब टेक्नीशियन डॉक्टर कैसे किसी डिजीज़ के ऊपर पहुँचेगा और कैसे उस डिजीज़ के लिए पर्टिकुलरली मेडिसिन दे सकता है, उस चीज़ में आप डॉक्टर हेल्प कर रहे हो।
उसके बाद टेक्नीशियन वर्क बिहाइंड द सीन्स ऑन इम्पॉर्टेंट रिसर्च. अब जो टेक्नीशियन है, जैसे मान लो कोई भी रिसर्च चल रही है, जैसे कि कैंसर के बारे में पता किया गया, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता किया गया, तो क्या उससे रिलेटेड टेस्टिंग नहीं हुई होगी लैब में? बिल्कुल हुई होगी. तो वो टेस्टिंग किसने की? लैब टेक्नीशियन ने तो की. तो इसी चीज़ पे लिखा है, टेक्नीशियन वर्क बिहाइंड द सीन्स ऑन इम्पॉर्टेंट रिसर्च फॉर द एडवांसमेंट इन द मेडिकल फील्ड टू हेल्प अदर्स. और इससे हेल्प किसकी हो रही है? हम जैसे लोगों की हो रही है. किसी को अगर टीबी हो गया है तो उसकी डायग्नोसिस आराम से हो सकती है, क्योंकि पहले रिसर्च में टेक्नीशियंस ने हेल्प की है उसमें. ठीक है, उसका ट्रीटमेंट इजीली हो सकता है. तो यस, ये इन सब चीज़ों में टेक्नीशियन का कितना बड़ा रोल होता है. सो नाउ हियर इज द एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बीइंग लैब टेक्नीशियन इन द लैब. सो फर्स्टली, प्लेस द वेल बीइंग एंड द सर्विस ऑफ सिक अबव योर ओन इंटरेस्ट. मतलब क्या है कि आपको लैब में एक अच्छा ह्यूमन बींग बन के रहना है. आप वहाँ पर जो भी काम करेंगे अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट से दूर हट के करेंगे. मतलब कि सेल्फिश होकर काम नहीं करना है कि ये टेस्ट मैं ही क्यों रन करूँ, ये कोई और कर देगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी है. टाइम पे प्रॉपर आपको वो वर्क करना है, तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रख के वो सारे काम करने हैं. उसके बाद, बी लॉयल टू योर प्रोफेशन बाय मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड बाई इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल एंड नॉलेज. क्या करना है? आपकी जो प्रोफेशन है उसको मेंटेन करके रखना है बाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. कैसे करेंगे? अपने वर्क के स्टैंडर्ड को हाई करो. जितना आप अच्छे से टेस्टिंग करोगे, जितना आपका बिहेवियर आपकी लैब में अच्छा होगा, आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे. एंड बाई इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को और नॉलेज को इंक्रीज करते जाओ. ऐसा नहीं है कि आपने लैब टेक्नीशियन की स्टडी कर ली है, DMLT या BSc MLT या कोई भी कोर्स कर लिया है और उसके बाद उसके बारे में पढ़ना छोड़ दिया है. ये सही नहीं है. मेडिकल लाइन में आपको, आप जितना पढ़ो उतना ही कम है, क्योंकि मेडिकल लाइन में हर डे बाई डे एडवांसमेंट आता ही रहता है और डे बाई डे नई नई डिजीज होती जा रही हैं. तो आपको अपने प्रोफेशनल स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करते रहना पड़ेगा. उसके बाद, डू नॉट मिसयूज योर प्रोफेशनल स्किल और नॉलेज गेन. जो भी आपने स्टडी की है, जितना भी आपको काम आता है, सो दैट मतलब कि प्रोफेशनल स्किल और नॉलेज जो गेन की है आपने, उसका मिसयूज कभी भी मत करना. उसके बाद, नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम योर वर्क प्लेस डज नॉट बिलोंग टू यू. लैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे बिलोंग नहीं करती हैं, जैसे कि टेस्ट किट हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सॉल्यूशंस हो गए, राइट, टेस्ट किट हो गई, ग्लास लाइट्स हो गई. ऐसी चीज़ों को आपको अपने साथ नहीं लेके जाना है जो आपसे बिलोंग ना करती हो. ठीक है, क्योंकि काफ़ी टेक्नीशियन इसका मिसयूज़ करते हैं. तो डू नॉट डू दिस एट ऑल. उसके बाद, प्रमोट हेल्थ केयर एंड द प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज. देखिए, बींग अ लैब टेक्नीशियन आपको लोगों को बताना चाहिए कि आपको ये टेस्ट अपने करवाते रहना चाहिए, बॉडी प्रोफाइल करवाते रहो, सो दैट आप अपनी हेल्थ केयर को मेंटेन कर सके. अगर कोई डिजीज हो रही है तो एकदम से पता भी लग जाए, उसकी प्रिजर्वेशन हो सके. प्रिजर्वेशन होगी कैसे? अगर मान लो कोई डिजीज आ गई तो उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बीइंग अ लैब टेक्नीशियन, बीइंग अ पर्सन इन द मेडिकल लाइन, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करो. एंड देन उसके बाद, फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर एंड नो हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड. जितने भी सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं लैब के अंदर, काम करने के वक्त क्या क्या सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए और आपको फॉलो करना है वो. एंड हाउ टू अप्लाई फर्स्ट एड कैसे अप्लाई करना है लैब के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आपकी एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं. उसके बाद देखिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस इन द लैब. लैब के अंदर किस किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आप और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहें. तो देखिए कैसे करना है. ऑल स्पेसिमेन अराइविंग इन द लैब शुड बी रिगार्डेड एज पोटेंशियली पैथोजेनिक. जितने भी स्पेसिमेन लैब के अंदर आ रहे हैं उसको आपको ये ध्यान में रख के हैंडल करना है कि वो स्पेसिमेन पैथोजेनिक है. अब पैथोजेनिक क्या होता है? ऐसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा कोई भी बैक्टीरिया या फिर ऐसा कोई भी स्पेसिमेन, कोई भी पर्टिकुलर थिंग जिसकी वजह से आपको डिजीज हो सकती है, उसको हम पैथोजेनिक बोलते हैं. ठीक है, तो आप अगर आपके पास ब्लड आ रहा है तो आपको हर एक ब्लड को ऐसे ट्रीट करना है कि इसके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और वो मुझे ट्रांसफ़र हो सकता है. तभी आप उसके प्रति बहुत सारे मेडिकल प्रिकॉशंस को लेंगे, जैसे कि ग्लव्स वेयर करेंगे, एप्रन वेयर करेंगे, स्पेक्स को लगाएंगे, राइट. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. एंड देन उसके बाद, द लैब वर्कर मस्ट टेक केयर टू प्रिवेंट लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन. देखो, लैब से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं. आपको पता है आधे से ज़्यादा जो इन्फेक्शन होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर से ही होते हैं. ये तो आप मानते होगे इस चीज़ को.
तो अगर हॉस्पिटल या लैब के अंदर उस चीज़ों को मेंटेन ना किया जाए तो वो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया था लैब वर्कर मस्ट टेक केयर टू प्रिवेंट लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। लैब से आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो कैसे ध्यान रखोगे आप, ये जो बाकी की चीज़ें हम नीचे पढ़ने वाले हैं उनसे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ट्रेनर शुड वियर प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग, हमेशा सॉरी टेक्नीशियन शुड वियर प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग। जो टेक्नीशियन है, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, उसको जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है उसको प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग हमेशा वियर करनी चाहिए। मान लो आपने नॉर्मल क्लोथिंग की हुई है तो उसके ऊपर आपको एप्रिन जरूर डालना है, जिसको हम लैब कोट बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है, फुल स्लीव्स का डालो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको ग्लव्स जरूर डालने हैं, डाल के ही रखने हैं, मतलब आप दिन में 2-3 बार चेंज कर लो, ऐसा नहीं कि सुबह जो डाले उसी से काम करे जा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद स्पेक्स जरूर वियर करने चाहिए, अगर गोगल जिसे कहते हैं वो जरूर वियर करना चाहिए, सो दैट मान लो कोई भी केमिकल एकदम से आँख में ना चला जाए, वो चीज़ को अवॉइड करें। क्लोज शूज, जो शूज़ है आपके क्लोज होने चाहिए, मतलब चप्पल या सैंडल मत पहन के जाओ, शूज़ प्रॉपर पहन के जाओ ताकि कोई चीज़ गिर जाए तो आपकी स्किन को टच ना करें। और लैब के अंदर डू नॉट वॉक बियर फूट, ओपन फीट के साथ आपको अपनी लैब के अंदर वॉक नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रह सकता है आपके लिए। ऑल स्पेसिमेन एंड इन्फेक्टेड मटीरियल शुड बी हैंडल विद केयर, जितना भी स्पेसिमेन और लैब के अंदर है या फिर इन्फेक्टेड मटीरियल जितना भी है उसको आपको बहुत ध्यान से हैंडल करना है और बहुत केयर के साथ हैंडल करना है। एंड देन उसके बाद डू नॉट अप्लाई कॉस्मेटिक्स इन द लैब, लैब के अंदर किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक अप्लाई नहीं करना चाहिए, जैसे कि परफ्यूम हो गया, चीज़ें नहीं अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नथिंग शुड पिपेट विद माउथ, जितने भी केमिकल्स होते हैं काफ़ी बार लोग माउथ से पिपटिंग करते हैं, वो नहीं करना है, ऑटोमेटिक पिपेट्स आ गए हैं उनका यूज़ करें। एंड देन उसके बाद यूज़ निडल शुड बी डिस्पोज्ड शार्प सेफ कंटेनर शुड बी मेड अवेलेबल फॉर इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ यूज्ड निडल। देखिए फॉर एग्जांपल आपने ब्लड कलेक्शन किया, ब्लड कलेक्शन के बाद जो निडल है उसको तभी के तभी आपको डिस्पोज करना है, डिस्कार्ड करना है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, जो शार्प सेफ कंटेनर होते हैं वो वहीं पे रखे होना चाहिए, ताकि आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और निडल को तभी के तभी उसमें डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्रोसेस स्पेसिमेन कल्चर कंटेनिंग हाईली इन्फेक्शियस पैथोजेंस इन अ सेफ्टी कैबिनेट, जितने भी स्पेसिमेन है या फिर कल्चर है जो कि अपने अंदर कंटेन करते हैं इन्फेक्शियस पैथोजेंस को, उनको हमें कहाँ पे प्रोसेस करना है, सेफ्टी कैबिनेट्स में प्रोसेस करना है। सेफ्टी कैबिनेट्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आई थिंक 5 से 6 मिनट का है, आप वो जाके देख सकते हो वो किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद एनी कट्स इंसेक्ट्स बाइट और वाउंड शुड बी कवर विद वाटर प्रूफ एडहेसिव ड्रेसिंग। देखिए अगर आपके हाथ पे कहीं भी चोट लगी है, कट लगा है, या फिर किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है, ठीक है, या फिर घाव हो रखा है, वाउंड जिसे कहते हैं हम, ठीक है, हो रखा है, तो उसको हमें कवर करना है वाटर प्रूफ एडहेसिव ड्रेसिंग से। वाटर प्रूफ एडहेसिव ड्रेसिंग होनी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लैब के अंदर केमिकल से वर्क करते हैं, ठीक है, लिक्विड से वर्क करते हैं, ब्लड इज ऑल्सो अ लिक्विड थिंग, तो वाटर प्रूफ एडहेसिव टेप होगी वो उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगी और आपका जो कट या बाउंड है वो एक्सपोजर से सेफ रहेगा। फिंगर नेल्स शुड बी केप्ट शॉर्ट, जो नाखून होते हैं आपके हाथों के वो हमेशा शॉर्ट होने चाहिए, क्योंकि उसमें गंदगी भर जाती है और उससे फिर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड मटीरियल शुड बी डिसइन्फेक्टेड बिफोर डिस्पोजेबल। अब देखिए जितना भी इन्फेक्टेड या फिर कंटेमिनेटेड मटीरियल है लैब के अंदर, मतलब कि जो भी चीज़ें हमने यूज़ कर लिया, अब उसको थ्रो करने वाले हैं, तो थ्रो करने से पहले हमेशा उसे डिसइन्फेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए आप तो थ्रो कर देंगे लेकिन जो लोग उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे वो तो उस चीज़ से इफेक्ट हो सकते हैं ना, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद देयर शुड बी अ जार बॉटल ऑफ डिसइन्फेक्टेड ईच बेंच एट द स्टार्ट ऑफ डे वर्क। जैसे मानिए आप लैब में गए, आपने काम करना शुरू किया, तो लैब आपके डेस्क पे एक बोतल या एक जार जरूर होना चाहिए जिसके अंदर डिसइंफेक्टेड हो, ताकि आप टाइम टाइम पे उसे यूज कर सको। उसके बाद इन केस ऑफ एनी स्पिलेज, स्पिलेज क्या होता है, कोई चीज़ फैल गई, कोई केमिकल गिर गया, कोई बोतल गिर गई, कोई आपका ब्लडी गिर गया, स्पेसिमेन गिर गया, तो वो स्पिलेज हो जाती है। इन केस ऑफ एनी स्पिलेज डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन शुड बी पोर्ड टू कवर द स्पिल्ड मटीरियल। तभी के तभी आपने क्या करना है, कपड़े से नहीं साफ करना शुरू करना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्पिलेज के ऊपर हमने क्या करना है, डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन आता है उसको उसके ऊपर डालना है, जिसको हम बोलते हैं पोर। एंड देन उसके बाद स्पिलेज टीम को बुलाते हैं, वो उसको क्लीन अप करती है। सो नाउ हेयर इज अ फर्स्ट एड इन द लेबोरेटरी, जो कि हर एक टेक्नीशियन को, हर एक एम्प्लॉय को जो भी लैब में वर्क कर रहा है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, और जो भी सफाई कर्मचारी होते हैं, वो सबको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में। एंड सिर्फ लैब में क्या, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड होता क्या है एक्चुअल में। देखिए सो फर्स्ट एड की जो सबसे पहले फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एड FIRST एंड AID,
तो इस हर एक अल्फाबेट का अलग एक मीनिंग है. सो एफ का मतलब है फर्स्ट, देन आई इन्वेस्टिगेशन रिलीफ सिम्टम ट्रीटमेंट अरेंजमेंट इमिजिएटली डिस्पोज्ड. देखिए अब इसको मैंने एक डेफिनेशन के रूप में अच्छे से डिफाइन किया है, वो देख लो. सो इट इज़ प्राइमरी मेडिकल हेल्प विच इज गिवन टू अ पर्सन वाइल ही गेट्स इंजर्ड बिफोर ही कैन रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. मतलब क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी मेडिकल हेल्प. अगर ये सबसे पहली हेल्प होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड, ठीक है. सो इट इज़ अ प्राइमरी मेडिकल हेल्प विच इज गिवन टू अ पर्सन, जो कि पर्सन को दी जाती है, ठीक है, वाइल ही गेट्स इंजर्ड, जब वो इंजर्ड होता है, ठीक है, बिफोर ही कैन रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट. जब तक उसे मेडिकल प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल जाए, उससे पहले देने वाली, सबसे पहले देने वाली उसको हेल्प जो होती है, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. इसीलिए इसकी जो फुल फॉर्म है, दैट इज अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिलीफ सिम्टम ट्रीटमेंट अरेंजमेंट इमिजिएटली डिस्पोजल. ओके, सो अब फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ को सेव करता है, ठीक है, प्रिवेंट फर्दर इंजरी. अगर हमें इंजरी हुई है, अगर हम फर्स्ट एड नहीं करेंगे, जब तक हम हॉस्पिटल में जाएंगे तब तक तो घाव और भी ज़्यादा वॉर्स हो सकता है, या फिर निडल प्रिक हुआ है तो वो तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्या पता इन्फेक्शन अच्छे से फैल ही जाए, ठीक है. उसके बाद रिड्यूस रिकवरी टाइम, अगर फर्स्ट एड टाइम पे दे दिया जाएगा तो जो इंजरी हुई है उसको रिकवर होने में भी बहुत, वो रिकवर भी जल्दी हो जाएगी. तो इसीलिए बोला गया है रिकवरी टाइम भी रिड्यूस करता है ये. एंड देन इम्प्रूव कम्फर्ट, कंफर्ट लेवल भी इम्प्रूव करता है. देखिए अगर चोट लग जाए या इंजरी हो गई है, उसमें जितना पेन होता है और जितना एंजाइटी होता है, उससे ज़्यादा वर्स चीज़ कोई हो नहीं सकती है. लेकिन अगर पर्सन को पता है कि उसे फर्स्ट एड मिल गया है तो वो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है, ठीक है. उसके बाद बूस्ट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ये कैसे, कि अगर वही सिंपल है, अगर आपको पता है कि हमारे लैब के अंदर फर्स्ट एड की सारी फैसिलिटीज़ है तो आप बहुत आराम से वहाँ पर काम कर सकते हो. बट इट डजेंट मीन कि आप अपने प्रिकॉशंस जो लेने हैं, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे, वो नहीं लेंगे. वो भी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों ही आपने ऐसा काम करना है कि आपको फर्स्ट एड की जरूरत पड़े, राइट. उसके बाद इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रिस्क. फर्स्ट एड के बारे में जब आप नॉलेज लेते हैं, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको ये भी पता लगता है कि फर्स्ट एड ना देने से हमें कितने सारे रिस्क प्रोड्यूस हो सकते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है. उसके बाद रिड्यूस एंजाइटी. फर्स्ट एड जो है वो एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है. मान के चलिए आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई लैब में और आपको फर्स्ट एड नहीं देगा टाइम पर, तो आप तो जब तक हॉस्पिटल जाओगे घबराते रहोगे, ये ना हो जाए, ये वाला इन्फेक्शन ना हो जाए, तो घर में भी हो जाएगा, फैमिली को हो जाएगा, क्या बोलूंगा, सारी चीज़ें होती है, वो एंजाइटी हो जाती है. लेकिन अगर आपको फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाएगा तो आप इस एंजाइटी से काफ़ी रिलीफ ले लेते हो. देन इम्प्रूव सेफ्टी. ये हमारी सेफ्टी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है. सो देखिए ये तो हो गया फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो अबाउट दिस. एंड देन देखिए क्या क्या मिस हैपनिंग्स हो सकती है लैब में और उसको ठीक कैसे करना है. देखिए आई एक्सपोजर टू हजार्डियस केमिकल. हमें पता है कि हमारी लैब के अंदर बहुत सारे हजार्डियस केमिकल्स होते हैं. अगर वो आँख में चले गए या फिर कोई ब्लड सैंपल ही चला गया आँख में, तब आप क्या करेंगे. फोर्सिबली होल्ड आई ओपन अंडर एन एमरजेंसी आई वॉश टू इंश्योर एन इफेक्टिव वॉश. क्या करना है आपको, अपनी आई को वॉश करना है, जबरदस्ती उसको खोल के रखो. अगर आपके आई के अंदर कुछ गिर गया तो आप बंद नहीं करनी है, ठीक है, सर्कुल नहीं तो उससे जो फ्लूड होता है आई के पास वो सर्कुलेट होता है, ठीक है, टिश्यूज में जाएगा. तो जबरदस्ती आई को ओपन करो, उसको जितना हो सके उतना वॉश करते रहो, ठीक है. तो ये करना है. उसके बाद है स्किन एक्सपोजर टू ब्लड एंड केमिकल. अगर उसके बाद अगर ब्लड और केमिकल से आपकी स्किन का एक्सपोजर होता है तो क्या करना है, वॉश इफेक्टिव एरिया विद टैप वाटर. टैप वाटर के साथ इफेक्टिव एरिया को वॉश करना है अच्छे से, लेकिन ठीक है. उसके बाद देखिए मेन चीज़ जो होती है, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होती है और जिसकी वजह से 99% जो इन्फेक्शन है लैब के अंदर खासकर वो फैलता है, क्या है, प्रिक बाय अ नीडल. एज सून एज पॉसिबल वॉश द एरिया अराउंड द पंक्चर एटलीस्ट 30 सेकेंड यूजिंग सोप एंड वाटर बाथ. जैसे ही आपको प्रिक हुआ निडल से, देखिए अगर तो आपने नई निडल निकाली, आप पेशेंट को पेशेंट का ब्लड ड्रॉन करने वाले थे और आपको उसको यूज करने से पहले आपको प्रिक हो गई, तो कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आपको तो स्टरलाइज प्रिक हुई है. लेकिन अगर आपको पेशेंट की प्रिक हुई है निडल, तब आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके आपको वॉश करना है अराउंड एरिया पंक्चर जहाँ पे हुआ है. और कब तक करना है, 30 सेकेंड के लिए तो करना ही करना है अच्छे से, एंड सोप और वाटर का यूज करना है, ठीक है. मान के चलिए कि मेरे यहाँ पर प्रिक हुआ, ठीक है, अब मैं पानी से ऐसे नहीं धोऊंगी, ऐसे नहीं धोऊंगी, मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको फोर्सली इसको दबाना है इस एरिया को, ठीक है, ऐसे दबा के रखूंगी पानी के नीचे,
इसको रनिंग टैप वाटर के नीचे रख के रखना है 30 सेकंड के लिए, और जितना हो सके ब्लड निकालना है। तो उससे क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मेरी बॉडी के, मेरे ब्लड के अंदर थोड़ा सा भी मिक्स हुए होंगे, जितना जल्दी मैं भाग के वो चीज़ करूंगी उतना रिस्क डाउन होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद डू नॉट स्क्वीज और रब द एरिया अराउंड द पंक्चर, जहाँ पे आपको पंक्चर हुआ है उस एरिया को स्क्वीज नहीं करना है उससे, मतलब मैंने दबाने को बोला है पर मैंने ये नहीं बोला कि जहाँ पर प्रिक हुआ वहीं दबा दो, उससे थोड़ा सा ऊपर दबा के रखना है सो दैट वो ब्लड नीचे को डाउन होता जाए, ब्लड निकलना शुरू हो जाए वहां से, ठीक है। उसके बाद और रब नहीं करना एरिया को, नहीं तो जो वो प्रिक हुआ है निडल उसका, उसके अंदर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकले होंगे वो आपके टिश्यू फ्लूड के साथ या ब्लड के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और आपके इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद कवर द साइट विद अ बैंडेज और सिमिलर ड्रेसिंग, ये सब करने के बाद आपने अपनी एरिया को कवर करना है बैंडेज या फिर ड्रेसिंग से, ठीक है। सीक मेडिकल एडवाइस इमीडिएटली, और मेडिकल एडवाइस भी लेनी है, और उसके बाद टेक काउंसलिंग टू रिड्यूस एंजाइटी। अब देखिए किसी को अगर निडल प्रिक हुई है और मेडिकल लाइन में, तो उसे पता होता है कि मुझे किस किस तरीके की दिक्कत हो सकती है, तो एंजाइटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट। और आपको पता है घबराहट की वजह से जो हम सोचते हैं वो काफी बार होता भी है बॉडी के अंदर, तो एंजाइटी को रिमूव करने के लिए काउंसलिंग भी टाइम पे लेना बहुत जरूरी है, जो कि आप ICTC सेंटर में जाके ले सकते हो। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा था, एंड थैंक यू वेरी मच।